इन प्रतिभावान छात्र को ये 6 पदक प्रदान किए गए हैं। मैं अनुरोध करती हूँ, क्योंकि मोहम्मद अकरम को 6 पदक दिए जा रहे हैं। रुपेश तिवारी, कुलपति रजत पदक। और सामान्य छात्र एक दूसरे का संबल बनकर उन्हें सबको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। मुझे आज यहाँ आकर इतनी खुशी हुई, ये मैं बता नहीं सकता। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे सदा ही मार्गदर्शक रहे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी, एक महीने में ही जिन्होंने दिव्यांग जनों के लिए इतने अद्भुत निर्णय लिए हैं महत्वपूर्ण, वो हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी, आपके कुलपति निशित राय जी, सभी सभागृह में उपस्थित मान्यवर। मैंने जो शुरू में कहा कि मुझे आज बहुत आनंद हुआ, इसके अनेक कारण है। पहला कारण यह है कि जब भी कभी हम पदवीदान समारोह के लिए, कॉन्वोकेशन के लिए जाते हैं, तो पाश्चात्य ब्रिटिशों के समय से चला आ रहा हुआ वो गांव डालते हैं। आपने ये भारतीय परिवेश किया है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी। दूसरी खुशी, हमारे आज भी जो प्रेरणा स्रोत है, उन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये सभागृह जाना जाएगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी। तीसरी खुशी मुझे ऐसी है कि मैं सांकेतिक भाषा का समाचार टीवी पे देखता हूं, कैसे करते हैं थोड़ा थोड़ा समझ लगा, लेकिन आज मैंने पहली दफा जनगणमन एवं ये हमारा रम्य प्रांगण, ये दोनों गीत ऐसे सुंदर पद्धति से हमारे दिव्यांग भाई और बहनों ने सादर किए कि मुझे बहुत खुशी। शिक्षा मंत्री होने पर एक होता है देश में 800 विश्वविद्यालय, तो सभी वाइस चांसलर कहते हैं कि आप कन्वोकेशन में, तो इतने अगर जगह 800 जगह में जाऊंगा तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 बार मुझे रोज जाना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि हम जहां विशेष काम हो रहा है वहां जाऊंगा, और इसलिए पहला मैंने जो कॉन्वोकेशन का काम किया वो उत्तर प्रदेश में ही चित्रकूट में राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है, वहां किया। क्योंकि एक आदमी जो स्वयं जन्म से अंधा है, अंधे है, और लेकिन दिव्य चक्षु होते हैं, इसीलिए तो दिव्यांग कहा है, इसीलिए दिव्यांग कहा मोदी जी, और इसलिए उन्होंने अपने प्रकांड पांडित्य से दुनिया भर में प्रवचन 300 करोड़ रुपए जमा किए और वो सारे विश्वविद्यालय में लगाए। वहां 5,000 विकलांग छात्र आज मुफ्त में शिक्षा भी लेते, निवास भी करते और खाना भी वहां होता है, तो ये सब सुविधा है, इसलिए मैं पहले वहां। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उसकी भी उपयोगिता है, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय मैंने नहीं देखा था। फिर मैं बंगलुरु में योगा यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हो गया, योगा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, आज पूरे दुनिया में योगा का डंका हो गया और यहाँ भारत में योग यूनिवर्सिटी है जो विश्व को सिखाएगी कि योग ये भारतीय विज्ञान कैसे शरीर के लिए स्वस्थकारी है, तो वहां मैं गया।
मैं पर्यावरण मंत्री था तो डेयरी विश्वविद्यालय के जो पर्यावरण में काम करते उनके गया पेट्रोलियम टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो बहुत ही अच्छी सुविधा है वहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देते हैं डिप्लोमा देते हैं वहाँ कॉन्वोकेशन में गया और मुझे खुशी है आज मैं यहाँ आया हूँ एक बेहतरीन विश्वविद्यालय में आया क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास वैसे हमने भी नारा दिया सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा ये नारे दिए और इसलिए आज करना है कैमरा मुझे यहाँ इसलिए और खुशी है कि यहाँ जाओ मैं इशारा करता हूँ सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र सब साथ में पढ़ते हैं ये समावेशी शिक्षा मुझे लगता है इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता इसके लिए आप मुझे याद आया मैं बचपन में स्कूल में जाता था तो हमारे स्कूल के अंदर गली में था तो गली में जाते समय कॉर्नर पे ही एक घर था और घर के सारे दरवाजे खुले होते दुकान जैसे था तो खुला होता था और वहां तीन बच्चे थे तीन युवा घर पर और तीनों को पोलियो से ग्रस्त थे एक ही घर में इतनी एक तरह से आप और ये मैं 60 साल पहले की कहानी बता रहा तो मैं स्कूल में जाते समय ये तीनों तैयार होके पाओ तो चलने का नहीं था उस समय कोई जयपुर फूट या बाकी कुछ नहीं था तो वो ऐसे ही बैठे रहते थे और हम सब छात्र जो स्कूल में जाते थे उनको देखते थे उनकी नजर को मैं देखता था कि उनको क्या लगता होगा कि मुझे क्यों नहीं स्कूल में डाला मिल सकता है लेकिन आजाद हिंदुस्तान की ये कहानी है कि जहां पहले इनको शिक्षा नहीं मिलती थी आज इतना अच्छा शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बन गया कि सबको शिक्षा मिल सकती है और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सीखता कौन है तो जो दिव्यांग छात्र है वो तो अपना अध्ययन सीखते हैं नई ऊर्जा आती है नया विश्वास पैदा होता है नई उमंग आती है लेकिन जो उनके साथ सामान्य शरीर है जिनका और जो सीखते हैं मुझे लगता है वो ज्यादा सीखते हैं ये संवेदनशीलता का पार्ट है आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है शिक्षा का उद्देश्य यही है एक तो विषय का ज्ञान है एक कौशल है लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा का यह है कि एक अच्छा इंसान निर्माण होना यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है और यह काम यहाँ बखूबी होता है क्योंकि सभी साथ में सीखते हैं मोदी जी ने पहले लोग अपाहिज कहते थे विकलांग कहते थे फिजिकली चैलेंज कहते थे पर्सन विद डिफरेंटली एबल कहते थे बहुत सारे नाम थे जैसे जैसे समाज की संवेदनशीलता का उन्नयन हुआ वैसे वैसे नाम बदलते गए लेकिन सभी दिव्यांगों को दिव्यांग कहकर कि आप में कोई कमी नहीं है आप में दिव्यांग है ये सम्मान मोदी जी ने प्रदान किया और उस पर इत्तेफाक किया ये सभी की शिक्षा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है जैसे मैंने कहा और अभी एक स्मारिका का हमने प्रकाशन किया उसका नाम है संबल शिक्षा जिंदगी का संबल देती है कि जीवन जीने कैसे जिए कैसे अच्छे तरीके से जिए कैसे यापन करें इसकी शिक्षा देती है यही शिक्षा व्यक्ति की उन्नयन करती है परिवार का उन्नयन करती है समाज का उन्नयन करती है प्रदेश का उन्नयन करती है और यही देश का उन्नयन करेगी यही नया भारत निर्माण करेगी यही शिक्षा है आज जो जिनको सुवर्ण पदक मिले रौप्य पदक मिले कांस्य पदक मिले उनको तो बहुत ढेर सारी बधाई
जिन्होंने पदवी प्राप्त की उनको भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ उनके अभिभावक भी आए होंगे, पेरेंट्स भी आए होंगे, आए ना, तो उनको कितना अनुमान लगेगा। बचपन में जब किसी डिसेबिलिटी के साथ कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को लगता है मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे बच्चे के साथ। लेकिन इस विश्वविद्यालय में वो सक्षम और समर्थ बन के जा रहा है तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि अरे ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी सक्षमता साबित की और उस पर पदवी भी मिल गई। कितने धन्य होंगे आप आपके पेरेंट्स। मोदी सरकार ने एक सुगम भारत का काम शुरू किया कि सभी जगह रैंक्स होंगे, सभी जगह लिफ्ट होगी, और उसके लिए हमने सभी शिक्षा संस्थानों को आदेश दिया है और उसके लिए मदद भी कर रहे हैं कि ये सब करना चाहिए, क्योंकि यही तो संवेदनशीलता है कि जिनको दिक्कत होती है उनकी दिक्कतों का रास्ता निकालना यही हमारा काम है और इसलिए सुगम्य भारत। केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक मांग बहुत दिन से है और एक अभी आज मैंने सुबह यहाँ आने के पहले समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत जी से चर्चा की कि ये तो एक राज्य सरकार की ये पहल है, वहां तो एक व्यक्ति की पहल है, केरल में भी एक अलग विश्वविद्यालय है, तो जो भी विश्वविद्यालय है कम से कम एक विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जो दिव्यांगों की शिक्षा करेगा, ऐसा एक विश्वविद्यालय। संसद में अनेक कानून पास होते हैं लेकिन जब दिव्यांगों को सशक्तिकरण करने के लिए और दिव्यांगों को विशेष अधिकार देने के लिए जब बिल पास हुआ तो सारी संसद एक हो गई थी, न पार्टी का भेद था न किसी का भेद था, सब आपके साथ थे और आपको अधिकार देने का बिल जिसमें पहले केवल 7 प्रकार की जो अवलिकत्व था उसको ही चिन्हित किया था, अब 21 प्रकार की विशेषताओं को भी उसमें जोड़ा है और नौकरियों 3% आरक्षण था वो 4% किया है और सबको ऐसी नौकरी मिले जो काबिल हो गए उनको नौकरी मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा क्योंकि यही महत्वपूर्ण है उनको अपने सामर्थ्य पर खड़ा करना। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी क्योंकि ऐसे छात्रों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं होती, UGC ने उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस का कार्यक्रम किया है, स्कॉलरशिप का भी कार्यक्रम किया है, हर विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हो ये भी हमने तय किया है। आज कंप्यूटर का जमाना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सहायता से आज दिव्यांगों के लिए बहुत सारे उपकरण सिद्ध हो गए हैं कि जिनको उपयोग होके वो अपने काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दलित शोषित पीड़ित वंचित आदिवासी जो भी समाज में पिछड़े गए उनके प्रति ध्यान देने का प्रधानमंत्री का संकल्प है और इसलिए दिव्यांगों के ऐसे विद्यालय जो भी है वहां जो भी कमी पड़े, आपने कहा ब्रेल प्रेस का, तो ये भी एक प्रपोजल भेजो हम निश्चित मदद करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी नए भारत का आह्वान कर रहे, नया भारत, ऊर्जावान भारत, नया भारत गरीबों के आकांक्षाओं का भारत, युवाओं के उड़ान का भारत, महिलाओं के सम्मान का भारत, ऐसा नया भारत तैयार करने की यही तो पहल है और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और यही मुझे लगता है कि सार्थकता है कि सबका साथ सबका विकास इसका निर्धारित तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद।